बेस्ट टाइम टू ईट लंच क्या हो सकता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जिससे हम फिट एंड फाइन रहें, हमारा वेट कंट्रोल में रहे एंड वी कैन लुक गॉर्जियस, बिकॉज इफ वी फील गुड वी लुक गुड टू। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो खाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार बताया गया है। उनका मानना ये है कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 3 से 4 घंटों का गैप होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको दोपहर के 1 या 2 बजे तक लंच करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के शरीर में 3 से 4 घंटों में भोजन पच जाता है और उस समय के बाद हम फिर से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भोजन के बीच में 3 से 4 घंटों का इंतजार करने से आपके शरीर को भोजन पचने के लिए समय मिल जाता है। अपने भोजन में 3 से 4 घंटों का गैप रखने से आपके रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। हालांकि लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से भी ओवर ईटिंग की समस्या हो सकती है। यदि आपको बहुत अधिक भूख लगी है तो आप अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। अगर किसी दिन आपको लंच करने में देर हो जाती है तो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कोई फल या सलाद का सेवन भी कर सकते हैं। यदि आप लगातार नियमित समय पर भोजन करते हैं तो आपके शरीर को पता चल जाता है कि कब नई कैलोरी और पोषक तत्वों की अपेक्षा करनी है। इसका मतलब है कि आपका शरीर अधिक आसानी से कैलोरी जलाएगा और उन्हें फैट के रूप में संग्रहित नहीं करेगा। इस तरह अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, जिससे आपको अपना बॉडी वेट मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।